चलिए प्रॉब्लम सेट टू में हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये फिगर आपको दिया गया है, आप देख सकते हो। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी और फिर डी बी इज इक्वल टू 3 times ऑफ सी डी, यानी ये जो डी बी है ना ये कितना है, सी डी का 3 times है। देन वी हैव टू प्रूव दिस, हमें ये प्रूव करना है। ओके तो कैसे होगा, चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, गिवन लिखेंगे। अब गिवन में लिखना क्या होता है, जो क्वेश्चन में दिया है वही उठाने का और इधर ला करके लिख देने का। तो क्या बोलोगे बताओ, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में सिग ए डी क्या है, इट इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, राइट। और कुछ भी दिया है, यस दिया है ना, ये देखो डी बी विच इज इक्वल टू 3 times ऑफ सी डी, ठीक। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, 2ab² विच इज इक्वल टू 2 times ऑफ ac² प्लस bc², ये हमें क्या करना है जी, प्रूफ करना है, राइट। तो चलिए अब इसका प्रूफ हम लोग चालू करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे प्रूफ होगा। तो कैसे होगा, देखो ab है, फिर ac है, फिर bc है, ए बी ए सी बी सी, ओके। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला ट्राइंगल लेंगे और इसमें हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊँगी जब ये दोनों हो जाएंगे तब, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लें, तो अभी हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ए डी सी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इन ट्राइंगल ए डी सी, इसमें जो आपका एंगल डी है ना वो कितने डिग्री का होगा, 90 degree का होगा। कैसे पता चला, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन सिक बी सी, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 degree का ही एंगल बनेगा ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, इसके वजह से मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एंगल डी इज 90 degree, ठीक है। तो अब अगर ये 90 degree का एंगल है तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को पता ही है ना, क्या लिखते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या होगा, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है बताना सरा, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो है क्या, इधर क्या है, 2ab 2ac, यानी ये जो ए सी है ना इसके पास 2 है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक टर्म में, तो क्या हो जाएगा, इधर 2ac² विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 आएगा, 2ad² प्लस 2cd का स्क्वायर, ठीक है। क्या क्या हमने बताना ज़रा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाई 2, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखो किसका वैल्यू दिया गया है, डी बी का वैल्यू दिया गया है, और डी बी तो अभी तक हमें मिला नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए डी बी। अब लिखते हैं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ए डी बी, इसमें जो हमारा एंगल डी है ना वो कितने डिग्री का होगा, 90 degree का होगा। कैसे पता चला, यहाँ पे लिख दीजिए कि सिंस ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, इसकी वजह से एंगल डी हो जाएगा 90 degree का। अब हम लोग इसमें पाइथागोरस थियरम का यूज कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थियरम। तो बताओ क्या होगा, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, ए बी, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये बात आप लोग को समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो क्या है, 2ab² है, मतलब ए बी स्क्वायर के आगे क्या है, 2 है, तो हमें यहाँ पर फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक टर्म में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2ab² विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि रूल इज रूल, ये रूल होता है कि अगर हम किसी नंबर से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो राइट साइड में भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2ad² प्लस 2bd का स्क्वायर, राइट। क्या किया, यहाँ पे लिख करके बता दो, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, समझ में आया कि नहीं, यस ये बात समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पर, अच्छा इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी यहाँ पर आ जाइए, देखिए क्या दिया है, 2ab² विच इज इक्वल टू 2ac² प्लस bc², तो आपको कहीं पे ये और ये दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को एकदम ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या, ये देखो 2ac का स्क्वायर दिखा और 2ab का स्क्वायर, ये भी आपको दिखा, है ना। तो यहाँ पे है क्या,
लेफ्ट साइड में ए बी स्क्वायर है और राइट साइड में क्या है, टू ए सी स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए कि ऐसा कुछ आ जाए, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से ना इसको माइनस करेंगे। क्यों इसको माइनस करना है, क्योंकि हमें ना ऐसा कुछ चाहिए। तो ऐसा कुछ कब मिलेगा, देखो अगर मैं, आप ही सोचिए जरा, टू ए बी स्क्वायर में से टू ए सी स्क्वायर को माइनस कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये माइनस टू ए सी स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा टू ए बी स्क्वायर, और जब ये उधर जाएगा तो प्लस टू ए सी स्क्वायर होगा कि नहीं, यस होगा, देख लो, है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो लिखें, चलिए फिर ये बात समझ में आई ना, क्यों माइनस कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग को लगता माइनस ही क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे माइनस करेंगे इसलिए। चलो अब मैं इसको मिटा देती हूँ और यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, इक्वेशन वन फ्रॉम टू, ठीक है। चलो अब मैं इधर करती हूँ साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो पहले क्या लिखेंगे, 2ab का स्क्वायर, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, ये देखो 2ac का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2ac का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, फिर यहाँ पर देखो ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, नहीं यहाँ पे नीचे 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 देखना इसको, नहीं ये है इक्वेशन टू, 2ad स्क्वायर प्लस 2bd स्क्वायर प्लस 2bd स्क्वायर, इसमें से हमें माइनस करना है 2bd का स्क्वायर, किसको माइनस करना है, तो ये देखो इसको माइनस करना है, ठीक है, 2ad स्क्वायर प्लस 2cd स्क्वायर, 2ad स्क्वायर प्लस 2cd का स्क्वायर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट को ओपन करते तो क्या हो जाएगा, 2ad का स्क्वायर जो है पूरा लिख दीजिए ना, आपको तो पता ही है, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस 2ad स्क्वायर प्लस प्लस, नहीं ये भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 2cd का स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये देखो प्लस 2ad स्क्वायर माइनस 2ad स्क्वायर, इन दोनों को हमने कर दिया कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे cd स्क्वायर है, यहाँ पे bd स्क्वायर है, हमें चाहिए क्या, हमें तो ये सब कुछ चाहिए है ना। तो एक काम करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में दिया गया था, ये देखो कि db इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ cd, तो जहाँ पे भी वो db आपको दिखाई दे रहा है ना, उसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ cd, तो लिख दूँ मैं, चलिए फिर लिख देते हैं, ये जो है ना इसके प्लेस पर देखो इधर क्या है db, मैंने इधर bd लिखा है तो चलेगा, ऐसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो bd के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ cd, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3cd का स्क्वायर बराबर, फिर माइनस 2cd का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट है ना इसको ऐसे हटाते हैं तो ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर बताना जरा, 9 होता है, और फिर सी डी का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी डी का और 2 सी डी का स्क्वायर। अब क्या होगा ध्यान से देखते जाइएगा, 2 9 से क्या होता है 18 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 18 सी डी का स्क्वायर माइनस 2 सी डी का स्क्वायर, अब इसको माइनस करो, चलो 18 सी डी स्क्वायर माइनस 2 सी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 सी डी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर, थोड़ा ऊपर लिखते हैं देयरफॉर 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर कितना आ गया 16 सी डी का स्क्वायर, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 3। अभी तक हमें हमारा आंसर नहीं मिला है, देख लो मिला है क्या, नहीं मिला है ना, ये तो आ चुका है, बस अभी ये लाना है, अब ये आएगा कैसे मैं आपको बताती हूँ, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है, ये तो हमने कर दिया। उसके बाद से एक और चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, यहाँ पे देखो ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो बी सी विच इज इक्वल टू सी डी प्लस डी बी, कैसे लिख दिया, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, सी से डी और डी से बी, ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे ये जो db है ना, इसका वैल्यू हमारे पास ये देखो है 3cd है ना, ये सब हम कहाँ से लिख रहे हैं, गिवन से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा था ना, ये वैल्यू रखा था ना, तो यहाँ पे आप लोग इसका रीज़न लिख करके दिखा सकते हो कि गिवन, ये हमने कहाँ से लिखा, गिवन में से लिखा, ठीक है, कभी मैं रीज़न लिखना भूल जाती हूँ तो आप प्लीज़ खुद से लिख लिया करो, ठीक है। तो अभी ये db के प्लेस पे क्या लिखेंगे, देखो 3 टाइम्स ऑफ cd, तो लिखते हैं bc विच इज इक्वल टू सी डी प्लस 3 टाइम्स ऑफ सी डी, अब इन दोनों को प्लस कर दो क्या आ जाएगा बताना ज़रा, 4 सी डी, ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू 4 सी डी, यहाँ पर क्या है कहा गया, ये देखो यहाँ पे
बी सी इज इक्वल टू फोर सी डी, यहाँ पे 16 सी डी का स्क्वायर है। तो हम एक काम करेंगे, देखो इन दोनों का कनेक्शन है अभी आपको पता चलेगा, हम एक काम करते हैं यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर, सही है ना। फिर अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो 4 का स्क्वायर 16, और फिर यहाँ पे सी डी का स्क्वायर आ जाएगा, सही है कि नहीं। और हमने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर किया, तो लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ये हमने स्क्वायर कर दिया। इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 4। अब क्या किया जाए, इतना तो हमने कर लिया, अब एक काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पर बी सी स्क्वायर, ओके, इसके प्लेस पे हम लोग बी सी पुट कर सकते हैं ना, पुट कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ, चिंता मत करना। देखो एक काम करेंगे, क्या यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, बस अभी आपको आंसर मिल गया, समझ लो। देखो इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, देखो 2ab का स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या है बताना जरा, 16cd का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, bc स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16cd स्क्वायर, यानी 16cd स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग bc स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यस लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम इसको मिटा देते हैं और इसके प्लेस पे लिख देते हैं bc का स्क्वायर। तो चलिए फिर देरी किस बात की, लिख देते हैं bc का स्क्वायर। लेकिन ये क्या, अभी भी ये जो हमें प्रूव करना था वो तो हुआ ही नहीं, पर होगा, देखो कैसे होगा, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2ab का स्क्वायर। अब एक काम करो, इसको उस साइड ले लो, तो जब ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 2ac स्क्वायर, और ये bc स्क्वायर तो पहले से ही है, प्लस bc स्क्वायर। देखो जो प्रूव करना था हुआ कि नहीं, देखो ध्यान से देखो, मिलाओ पूरा पूरा मिलाइए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया। देखा आपने कितना आसान था, बताइए, देख लीजिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम, तो इसमें किसकी बात की जा रही है, आइसोसेलियस ट्रायंगल की बात की जा रही है। तो हमें ना सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रायंगल बना लेना चाहिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल बना लिया, जो कैसा ट्रायंगल है, तो आइसोसेलियस ट्रायंगल है। आइसोसेलियस मतलब क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसके दो साइड्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। तो हम इसका नाम लिख देते हैं ए बी और सी, और ये समझ लेते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, ठीक है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया, ओके। अब उसके आगे देखिए, अब इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इन एन आइसोसेलियस ट्रायंगल, यानी कि आइसोसेलियस ट्रायंगल में लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स रहेंगे ना उनका लेंथ कितना है, 13 सेंटीमीटर है। मतलब ए बी हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, और जो ए सी है ना ये भी हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे पढ़ो, एंड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर, और फिर जो इसका बेस है ना उसका लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। मतलब ये जो बी सी है ये कितने सेंटीमीटर का है, तो ये है आपका 10 सेंटीमीटर। ये सब हम अपने मन से नहीं बता रहे, ये क्वेश्चन में दिया गया है, समझ में आया कि नहीं। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रोइड। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको सेंट्रोइड का मीनिंग समझाना चाहूंगी, सेंट्रोइड क्या होता है। तो देखो जी, ये रहा आपका ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल में मीडियन भी होता है, मीडियन पता है आप लोगों को, मीडियन मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो आपका बेस है ना, इसका मिड पॉइंट समझ लो ये है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन आएगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे, ठीक है। और एक ट्रायंगल में हम लोग 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये साइड का मिड पॉइंट समझ लीजिए ये है, तो यहाँ से जो हमने ये लाइन खींची ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन। उसी प्रकार से ये वाला जो साइड है इसका मिड पॉइंट ये है, तो यहाँ से मैंने ये जो लाइन खींची ना जो इधर से होकर के जा रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल में तीनों मीडियन जहाँ पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तीनों जहाँ पे एक साथ आकर के मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेंट्रोइड कहते हैं। एंड सेंट्रोइड को डिनोट किया जाता है किससे, जी से, समझ में आया। ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई हैं, लेकिन आप भूल गए होंगे तो भी कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मीडियन क्या होता है, समझे ना, मिड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ओके। और सेंट्रोइड क्या होता है, जहाँ पे तीनों मीडियन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। उसके बाद अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, सुनो, यहाँ पे ये जो हमारा मतलब ये सेंट्रोइड है ना, ये क्या करता है, जो मीडियन रहता है ना उसको 2:1 के पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि
जैसे ये आपका मीडियन है और ये आपका सेंट्रॉइड है, तो ये समझो, एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये है आपका 2 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा, इसका दोगुना, यानी कि 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, मतलब ये जितना भी होगा ना उसका दोगुना ये होगा, और यहाँ पे जितना भी होगा इसका आधा ये होगा, ठीक है। 2:1 यानी कि 2/3 पार्ट ये हो जाएगा और 1/3 पार्ट ये होगा। समझ में आया आप लोगों को, नहीं समझे फिर से बताती हूँ। देखो आप समझ लोगे, ये पूरा मीडियन है 6 सेंटीमीटर का है, राइट। आपको बताना है कि ए से लेकर के जी मतलब इतना कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे कि 2/3 ऑफ पूरा मीडियन जो रहेगा वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 6, 2 2 4, तो ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर ये 4 है ना तो इसका आधा ये होगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर होगा। देख लो कैसे, अभी बताती हूँ। देखो ये जो है ना, ये कितना हिस्सा होगा, तो 1/3 पार्ट ऑफ मीडियन, तो मीडियन कितना है, 6। चलो कैंसिल करो, 3 2 6, 2 1 2, आया कि नहीं 2 सेंटीमीटर, राइट। समझ में आया आप लोगों को, तो ये बात आप लोग को याद रखनी है कि सेंट्रॉइड जो रहता है वो मीडियन को 2:1 के पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक अगर ये 2 है तो इसका आधा ये होगा, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटा देती हूँ और फिर हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैं आपको पास्ट में लेकर के गई थी, क्लास 8 में, है ना, पुरानी यादें ताजा हो गई। चलिए देखते हैं, तो क्या दिया है यहाँ पे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस, यानी जो आपका बेस है ना उसके अपोजिट में जो आपका वर्टेक्स है, ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, बेस है, इसके अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा है, ये ए है, ठीक है। तो हमें ये वर्टेक्स और सेंट्रॉइड के बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ये बीसी के ऊपर, ठीक है। अभी देखना, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूंगी और ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। कैसे होगा वो मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी, ठीक है। ऐसे हम लोग डायरेक्टली किसी को भी मीडियन नहीं बोल सकते, हमें कुछ ना कुछ तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि ये मीडियन है, तो वो मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी, ठीक है। तो ये समझ लो, अभी फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि ये है आपका मीडियन, तो यहीं पे कहीं पे आपका सेंट्रॉइड आ जाएगा, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे बताना क्या है, ये वर्टेक्स और सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये जो हमारा मीडियन है, अभी तक हमने ये प्रूव नहीं किया है कि ये मीडियन है, लेकिन आप मान लीजिए, ठीक है, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए ना, तो मान लीजिए कि ये हमारा मीडियन है, तो अगर हमें इस मीडियन का लेंथ पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो मीडियन रहता है, मतलब जो सेंट्रॉइड रहता है, वो मीडियन को 2:1 के पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। समझ में आया, तो चलिए अभी इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ, आप बस ध्यान से देखते जाइएगा, ध्यान लगाना है, देखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में जो हमारा ए बी है इट इज़ इक्वल टू ए सी, ठीक है। ये दोनों क्या है, बराबर है। कैसे पता चला, अरे ये बोला गया था ना कि ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है, तो अगर ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है तो फिर ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ए बी और ए सी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कहाँ से लिखा, गिवन, ये दिया गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, ए बी और ए सी का लेंथ भी यहाँ पे दिया गया है 13 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पे जो हमारा बी सी है इसका लेंथ दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें गिवन थी, तो मैं इधर गिवन ही लिख देती हूँ, ठीक है, ये पूरा गिवन, राइट। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया, ए डी को ड्रॉ किया, ठीक है। ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो यहाँ पे लिखते हैं कि ड्रॉ ए डी, सेग ए डी इस परपेंडिकुलर ऑन बी सी, राइट। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि ये जो मीडियन, मतलब ये जो ए डी है ना, इसको हम लोग मीडियन प्रूफ करें, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, मीडियन है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, पहला ये दूसरा ये, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हम लोग ले लेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल, पहले ये लिखते हैं ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स में ये जो आपके एंगल्स हैं, देखो यहाँ पे एंगल डी, ठीक है, दोनों में भी एंगल डी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे हमने ये कंस्ट्रक्शन किया ना कि ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल डी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो
ये दोनों भी ट्राइंगल्स में, ये जो एंगल डी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ पे लिख दें, क्या लिखेंगे, देखो एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी, कैसे कैसे समझ में आया, तो यहाँ पे आप लिख करके बता सकते हो फ्रॉम वन, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन से, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो ए बी और ए सी दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कैसे पता चला, ये दिख रहा है ना, देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी है ना, गिवन था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सेग लिखो या फिर साइड भी लिख सकते हो चलेगा, ये वाले ट्रायंगल में कौन सा साइड है, ए बी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी, ठीक है। अब इसका रीजन क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप बता सकते हो गिवन, ठीक है, ये हमने गिवन से लिख लिया, ओके। और कुछ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है क्या, यस कॉन्ग्रुएंट है ना, ये देखो ये जो ए डी है ये दोनों में आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, यानी ये कॉमन साइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखे, सेग लिख दे, चलिए सेग या फिर साइड आप कुछ भी लिख सकते हो, तो सेग ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए डी, कैसे लिख दिया, कॉमन साइड है दोनों में है ना, कॉमन साइड, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ये जो आपका साइड है ए डी, ये दोनों भी ट्राइंगल्स में आ रहा है, मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स में एक तो हाइपोटेनियस और दूसरा जो साइड है ना वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे बताइए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम लिखेंगे कि दे आर फॉर बाय कौन सा टेस्ट आएगा, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कैसे किया हमने, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से क्या होगा, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और आप लोग जानते हो जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो फिर जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो बी डी है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डी सी के, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, ओके, बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, कैसे लिख दिया भाई, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, समझ में आया आप लोगों को, यस yes. अब सुनो, अगर बी डी और डी सी, एकदम ध्यान से सुनना, बी डी और डी सी दोनों आपस में इक्वल है, यानी बी डी और डी सी अगर दोनों आपस में इक्वल है, तो पॉइंट डी क्या हो जाएगा बताना, मिड पॉइंट ऑफ सेग बी सी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि दे आर फॉर पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी विच इज इक्वल टू डी सी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी, यानी बी सी जितना भी होगा, ठीक है, बी सी जितना भी होगा उसका हाफ क्या हो जाएगा, बी डी और डी सी, तो बी सी का लेंथ कितना, यहाँ पे देखो कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी डी विच इज इक्वल टू डी सी 1/2 ऑफ बी सी, बी सी कितना है, 10 सेंटीमीटर, कैंसिल कर दो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं, बी डी विच इज इक्वल टू डी सी विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये देखिए बी डी और डी सी का लेंथ हमको मिल चुका है कितना, 5 सेंटीमीटर, राइट। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं बताइए, इसको आप लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 हुआ है ना, इसको लिख देते हैं 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा ट्राइंगल है ना, अच्छा एक और बात सुनिए, हमने इसको मीडियन तो बताया ही नहीं, तो देखो अगर ये मिड पॉइंट होगा, अगर ये पॉइंट डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा बी सी का, तो फिर ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगा बताइए, मीडियन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम एक और बात लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि दे आर फॉर सेग ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए डी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अब देखो ये ट्राइंगल में मीडियन हमने इसको प्रूव कर दिया, यानी हम लोग यहाँ पर अपोलिनियस थियरम का यूज कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि बाय अपोलिनियस थियरम। अब ये थियरम तो आप लोगों को एकदम अच्छे से आता है, बताओ क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 times ऑफ मीडियन, मीडियन क्या है बताना, ए डी है, ए डी स्क्वायर प्लस 2 times ऑफ, मन करे तो इसको ले लो, मन करे तो इसको, किसको लेना है, चलो इसी को ले लेते हैं, 2 times ऑफ बी डी स्क्वायर, बराबर। अब क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे, तो ए बी कितना 13, तो इसका स्क्वायर कर देंगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर प्लस ए से भी कितना है 13, फिर 2, ए डी हमें नहीं पता, यही तो हमें फाइंड आउट करना है, अच्छा बी डी कितना है बताना जरा, ये देख लो यहाँ पे बी डी 5 सेंटीमीटर आया था ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम
फाइव का स्क्वायर, ठीक है, थर्टीन का स्क्वायर कर दो 169, इसका भी स्क्वायर 169, टू ए डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू नहीं आएगा, प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अभी इन दोनों को प्लस कीजिए, 9 9 18, 6 6 12 1 13, 338, यानी एक मिनट यही आएगा ना, 9 18 6 6 12 1 13, हाँ बराबर है। फिर यहाँ पे 2 ए डी का स्क्वायर और यहाँ पे 25, 2 से क्या हो जाएगा 50, 50 को अभी इस साइड ले लो तो फिर आप क्या लिखोगे, 338 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 2 ए डी का स्क्वायर। अब माइनस करते हैं, 8 में से 0 जाएगा तो 8 आ जाएगा, फिर 13 में से 5 जाएगा तो 8 और यहाँ पे 2, ठीक है, 288, 2 को इधर ले लो, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। अब इसको कैंसिल करो, 2 1 सा 2 4 सा 2 4 सा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ए डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 144। अब मुझे ये स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखती हूँ। तो ए डी का वैल्यू बोलना जरा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। कैसे आया, समझ में आया कि नहीं बताइए। यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया ना हमने, तो देखो ये जो ए डी है ना, ए डी पूरा इतना कितना आ गया, तो 12 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो ए डी हमें मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए जी का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इसका लेंथ हम लोग बता सकते हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ए डी इज़ द मीडियन, ठीक है, ए डी इज़ द मीडियन, ए डी क्या है, ये एक मीडियन है, सो देयरफॉर ये जो ए जी है ना, ए जी क्या हो जाएगा बताइए, 2 upon 3 of ए डी, ठीक है, ए जी क्या होगा, 2 upon 3 of AD। ये 2 upon 3 मैंने कैसे लिखा, अपने मन से लिखा नहीं, आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि ये होगा 2 तो ये होगा 1, देखो ऐसे ऐसे 2:1, समझ में आया कि नहीं, ऐसे तो ये वाला जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 2:1 मतलब क्या, 2 upon 3, 3 मैंने कहाँ से लिखा, तो 2 1 कितना होता है 3, ठीक है, मतलब 3 में से ये दूसरा होगा, ये पहला होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने वहाँ पे 3 अपने मन से नहीं लिखा है, दोनों को जोड़ा है, रेशियो में हम लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे कि बस आपको समझाना, अभी कितने सारे एग्जांपल्स दूँ, चलो देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए जी विच इज़ इक्वल टू 2 upon 3 इंटू ए डी, ए डी कितना है, कहाँ निकाला था ये देखो 12। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 1 3, 3 4 12, अभी मल्टीप्लाई करो तो ए जी कितना आ गया, 2 4 8 सेंटीमीटर, समझ में आएगी नहीं, तो देख लीजिए हमें यही बताना था ना, ए जी का लेंथ हमको बताना था, जो हमने बता दिया कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ओके, लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी लिखा है उसको लिख दो, देखो क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन, चलो आपको लिख करके बताती हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आएगी नहीं, हाँ जी कि ना जी, समझ में आया ना, देख लो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो वो जो मीडियन वाला था ना, उसी में आपको डाउट होगा, तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो आप लोग जा सकते हो, लेकिन अगर किसी को इसमें डाउट है तो मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, क्योंकि उतनी से मैं कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वहीं पे पूरी खिचड़ी बन जाएगी। तो देखो ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है, और इसमें ये है आपका मीडियन, इसका नाम है ए, यहाँ पे डी और यहाँ पे जी, ये क्या है आपका सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि ये क्या करता है, ये सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब क्या, इस प्रकार से देखो ए जी इज टू जी डी, देखो क्या मैंने लिखा है, ए जी इज टू जी डी क्या हो जाएगा पता है, 2:1 होगा, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि ये पूरा है आपका, समझ लीजिए 15 सेंटीमीटर का, तो ये कितना होगा, तो 15 का जो दूसरा पार्ट होगा ना, क्या लिखा है यहाँ पे, 2:1, यानी हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 2 upon 3 into 15, 2 upon 3 कहाँ से लिख दिया, मैं अभी ए जी निकाल रही हूँ, ए जी, ठीक है, तो क्या लिखूंगी, क्योंकि ये 2, क्योंकि ये 1 होता है ना, 2:1 इस प्रकार से, तो यहाँ पे लिखा 2 upon 3, 3 कहाँ से लिख दिया, इन दोनों को जोड़ा, 2 1 3 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 15, 2 5 10, यानी ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, बराबर, और ये कितना होगा,
ये कितना होगा, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अब मैं ना जी डी निकाल रही हूँ, तो जी डी कैसे आएगा देखो, यहाँ पे लिखूंगी 1/3, 1 कहाँ से आया तो ये, और 3 कहाँ से आया, 2 1 कितना होता है 3 होता है ना, फिर यहाँ पे 15 लिख दिया, कैंसिल करो, 3 5 15, 5 1 5, यानी ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से होता है आपका मीडियन। मुझे उम्मीद है कि अब तो आप लोग को ये क्लियर हो ही गया रहेगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसको अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट होता है।